हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आरोही हेलो कर दो सबको। आरोही ठीक है, अब चिड़चिड़ापन थोड़ा सा है लेकिन ठीक है, अब काफ़ी बहुत सुधार है ना। सबको थोड़ा किसी दे दो। हाँ, तो आप लोग आरोही का प्यार ले लीजिए। आप लोग बहुत प्यार करते हैं आरोही से, है ना। तो मैंने नहीं बेटा, डांटते नहीं है, आप लोगों को डांट रही है वो। और अभी शाम को के 6:30 बज रहे हैं, तो मैं अभी से आपके सामने आई हूँ। ब्लॉग तो मैंने शुरू से स्टार्ट कर दिया था। खाना वाना का कुछ नहीं दिखा पाई हूँ सुबह, क्योंकि डॉक्टर ने आरोही को बोला है कि खिचड़ी वगैरह खिलाने के लिए, तो मैंने खिचड़ी ही बनाया था। और वैसे भी आज शनिवार था तो भी काफ़ी फैला हुआ था। कल तो कोई काम ही नहीं किया था। और अभी इसके पापा और आर्यन दोनों पार्क में गए हैं जिम में, तो मैं और आरोही नहीं गुस्सा नहीं। ये देखिए गुस्सा, इस लड़की का गुस्सा देखिए। नहीं बेटा, नहीं गुस्सा नहीं करते। ये देखिए इतनी सी छटंगी का गुस्सा देखिए। नहीं गुस्सा नहीं बेटा, प्लीज़ गुस्सा नहीं। नहीं, ऐसे करती है गुस्सा, पता है ऐसी करती है। और आजकल मेरे को डांट रही है, चिल्ला रही है, बोल रही है हट, बहुत ज़ोर से चिल्ला रही है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। अगर शाम का कुछ देखती हूँ खाना वाना क्या बनेगा, थोड़ा बहुत क्लिप आप लोगों से शेयर करूँगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ खाने पे। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ एक करी। तो एक को मैं फ्राई कर रही हूँ, और इधर प्याज मिर्च फ़ोरन वगैरह सब तैयारी कर मैंने कर ली है। और मैंने 6 एग उबाले थे, तो एक आर्यन ने खा लिया था, वो बिना मतलब जब बॉईल करती हूँ तभी वो खा लेता है। और एक जो मैंने फ्राई नहीं किया था वो आरोही के लिए रखा हुआ था। और इधर तेल गर्म होने के बाद में मैंने फ़ोरन वगैरह डाल दिया है। फ़ोरन डालने के बाद में प्याज डाल दिया है, और दूसरी तरफ मेरी चावल बन रही है। तो मैंने 2 प्याज लिए थे, और प्याज मतलब गोल्डन ब्राउन हो चुके थे। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। मैंने फास्ट कर रखा है क्योंकि छोटे छोटे क्लिप दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और उसके बाद मैं रेगुलर मसाले होते हैं वो डालूँगी। और एक करी मसाला नहीं था, तो फिर भी बहुत टेस्टी बना था। ज़रूरी नहीं है कि वो हो तो भी टेस्टी बनता है। देखिए देखने में कितना यम्मी लग रहा है ना, बना भी था यम्मी बना था। उसके बाद में टमाटर का जो प्यूरी बनाया था मैंने वो डाल दूँगी। और इसके बाद में मेरा एक करी, आज अचानक से शाम को ये इन्होंने कहा कि सुबह तो मैंने खिचड़ी, चलो बना लो एक करी। और इधर मैंने पानी भी डाल दिया है, तो कितना अच्छा कलर आया है ना इसका। और ये देखिए मेरा एक करी का फाइनल लुक लग रहा है ना, यम्मी। और इधर चावल भी बन गया है, सैलेड भी कट चुका था, आज सैलेड नहीं खीरा नहीं था। और इधर हम लोग खाने जा रहे हैं, इन लोगों को मैंने दे दिया है। नीचे आ गई थी आरोही को लेने, नीचे आरोही आ गई थी नीचे। और घर सेम है, किचन भी सेम है, सब कुछ आंटी का है, नीचे वाली आंटी है, मतलब हम लोग एक ही बिल्डिंग में हैं। और आरोही काफ़ी घुल मिल गई है उन लोगों से, तो वही मैं उसको लेने आई हूँ खाने के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं खाना वाना खाने। आरोही नहीं खा रही है, उसको अभी मन नहीं है खाने का, नीचे आंटी ने खिला दिया था। तो अब मैं जा रही हूँ खाना वाना खाने। अब मैं आप लोगों को यहीं पे बाय बोलूँगी, और आप लोग अपना प्यार इसी तरह मुझे देते रहें। और आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बार बार नहीं एक चीज़ को दोहराना चाहती कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप लोग को पता ही है कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग देखेंगे तो ज़रूर करेंगे। या अगर मुझे कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल यहाँ तक पहुँचने वाली नहीं थी। चिंता कर रहे थे, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आरोही अब ठीक है। और मैं आप लोगों से फिर कल के वीडियो में एक नए वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिल्कुल स्वस्थ रहिए, ठीक है। तो बाय बाय।